तो गाइज आज हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से कैसे आप अपनी बोट वॉच जेनिट को पेयर कर सकते हो, क्या इश्यूज आ रहे हैं आप सभी को, सारे के सारे इश्यूज कवर करने वाला हूँ और थोड़ा सा एक्यूरेसी टेस्ट भी कर दूंगा आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे जो इश्यूज आ रहे हैं जेनिट वॉच में वो सारे के सारे रिजॉल्व हो सके। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा फोन ऑनर है तो ऑनर के फोन्स में ऐप गैलरी होती है, प्ले स्टोर होता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे साइड लोड किया है एप्लीकेशन जेनिट के लिए, बोट की हब जो एप्लीकेशन है वो आपको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो, या अगर आपके में प्ले स्टोर चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम फोन्स में चलता है, 95% फोन्स में चलता है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो बोट वॉच जेनिट के लिए एप्लीकेशन मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो बोट की हब एप्लीकेशन, राइट। तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया, एक बार मैं उसको आपको दिखाता हूं। PKTADA जो वेबसाइट है उस पे आया था और यहाँ पे मेरे को ये मिल चुकी है, देख सकते हो बोट हब 1.0.2 APK बंडल, राइट। तो इसको हमको इंस्टॉल कर लेना है, ये मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, ये रहा ऑलरेडी जिप फाइल है तो इसको अनजिप करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जिप फाइल में आपको वो वाली फाइल चुननी है, APK वाली फाइल। तो APK वाली फाइल एक ही हमारे पास जो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब 17 MB की है, तो ये इंस्टॉल करनी है आपको। यहाँ पे आ चुकी है, देख सकते हो आप, यही वाला जो है आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद तो गाइस इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर देना है आपको एप्लीकेशन और स्टार्ट कर देना है और GPS को आपको ऑन कर देना है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, थोड़ा सा मैं रजिस्टर करके आपके सामने आता हूँ। कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा तो आपको फिलअप कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे साइन अप कंप्लीट हो चुका है। ग्रेट, लेट्स बिल्ड योर प्रोफाइल। अब यहाँ पे प्रोफाइल कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है सारी की सारी, नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको डाटा अपना सही तरीके से भरना है ताकि आपको सारी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके वॉच। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको स्किप नहीं करना है, ये पूरा वीडियो देखना है, यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको अलाउ बोट हब टू एक्सेस फोटोज मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, तो आपको अलाउ कर देना है और स्टार्ट पेयरिंग पे आपको करना है, अलाउ कर देना है, ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए पूछ रहा है, फिर अलाउ कर देना है, राइट। अब यहाँ पे स्टार्ट पेयरिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पे लोकेशन परमिशन रिक्वायर्ड, लोकेशन विल बी यूज इन बैकग्राउंड और साथ में लोकेशन विल बी यूज वाइल द ऐप इज क्लोज्ड, लोकेशन विल बी ऑलवेज इन यूज व्हेन इन एप्लीकेशन इज नॉट इन यूज, तो अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ बोट हब एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, अलाउ, फिर से अलाउ, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉल लॉग्स और साथ में कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे अलाउ कर देना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे पेयरिंग पे टैप करना है, तभी ये पेयरिंग वाला ऑन हो जाएगा ऑप्शन। अब गाइस यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि ये इसकी डिस्प्ले ऑन हो। यहाँ पे आ चुकी है बोट की जेनिट, तो यहाँ पे पेयर पे टैप कर देना है। पेयर पे टैप करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगी, मे बी फर्स्ट पेयरिंग में फेल हो जाए, बट दोबारा आप पेयर करोगे तो हो जाएगी। तो देख सकते हो आप फेल आ चुका है, दोबारा हम करते हैं पेयर, यहाँ पे पेयर हो चुकी है, राइट। थोड़ा सा आ सकता है इशू, बट दोबारा आप करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अलाउ बोट एक्सेस बोट हब टू एक्सेस द सिस्टम नोटिफिकेशन, अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे गाइज मेन ये पार्ट है आपका, नोटिफिकेशन एक्सेस यहाँ पे दे देना है आपको बोट हब के लिए, राइट, यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब हम चलते हैं बैक। अब ऐप बैटरी यूज़ ऑप्टिमाइजेशन को इसको अलाउ कर देना है ताकि ऑटो स्टार्ट हो सके एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन या आपके कॉल लॉग सारे के सारे शो कर सके, मतलब कॉल नोटिफिकेशन आ सके आपके इसमें। यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस मिलता है आपको ओवरऑल, और ये रिव्यू में भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं सारे के सारे इश्यूज़ लेने वाला हूँ, तो वो इश्यूज़ आपके सारे के सारे यहाँ पे जो आ रहे थे आपको वो सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे ओवरऑल इस तरीके का मिलता है, HR मीटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग यहाँ पे, और यहाँ पे वेट कितना कितना नहीं है, और ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाती है, बोट जेनिट ऊपर कनेक्टेड है, 15% बैटरी है, और यहाँ पे आपको जो वॉच फेसेस हैं वो शो हो जाते हैं, यहाँ पे और सारी चीज़ें मिल जाती है, जनरल है, अलार्म है, अलर्ट्स है, ऐप नोटिफिकेशन है। ऐप नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे सारे के सारे ऐप नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना है। ये नोटिफिकेशन जब भी आपके ऑन होंगे, जब भी आपके वर्क करेंगे, जब आपने नोटिफिकेशन एक्सेस दे रखा हो, जो इससे पहले वाला स्टेप था वो आपने फॉलो किया है, तभी आपके वॉच में जो नोटिफिकेशन है वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये आप बात समझ लीजिए, राइट। इसको अलाउ कर देना है। वुमेन हेल्थ केयर यहाँ पे इस तरीके से ऑन करना है, अगर गर्ल्स ये वीडियो देख रही तो यहाँ पे इस तरीके से वुमेन हेल्थ केयर को यहाँ पे ऑन कर देना है। रिमाइंडर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लेंथ आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो, और लास्ट नेचुरल डेट यहाँ पे
पुट कर सकते हो और रिमाइंडर मोड आप ऑन ऑफ कर सकते हो। राइट, चलते हैं बैक दोबारा से। यहाँ पे फाइंड वॉच का ऑप्शन मिल जाता है, वॉच वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हो वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो चुकी है, ओके कर दोगे तो वो बंद हो जाएगी। और टेक पिक्चर से आप पिक्चर्स को ले सकते हो, डिस्कनेक्ट वॉच यहाँ से डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे रीसेट वॉच करने का ऑप्शन भी आ जाता है इसमें से ही, तो आप रीसेट भी कर सकते हो दूसरे फोन के साथ अगर आपको पेयर करना है तो। और यहाँ पे अबाउट वॉच में आपको यहाँ पे OTA अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, बट अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऑलरेडी अपडेटेड है 1.0.2। राइट, और इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। वॉच फेसेस को आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सी मोर पे जाना है, और यहाँ पे डिवाइस में जो अवेलेबल है वो अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप इस पे टैप करते हो तो दूसरा वाला वॉच फेस लग जाएगा, इसमें देख सकते हो ये लग चुका है। इस पे करते हो तो ये लग जाएगा, इस पे करते हो तो ये लग जाएगा, इस पे करते हो तो ये लग जाएगा। क्लाउड में चलते हैं, क्लाउड में आपको 300 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस क्लेम किया गया था, बट अभी यहाँ पे OTA अपडेट के बाद ही आएंगे, यहाँ पे इतने ही वॉच फेसेस आपको मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, तो वो OTA अपडेट के थ्रू ऐड कर दिए जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक वॉच फेस मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे जो थोड़ा सा अच्छा हो देखने में, और गिरा। वॉच बैटरी इज़ टू लो टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 15% बैटरी इसलिए नहीं हो रहा है। कस्टम वॉच फेस पे जाना है यहाँ पे, तो आप अपना कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड पे जाता हूँ, ऐड करने पे यहाँ पे क्लाउड ही वॉच फेस ऐड हो रहे हैं, बट अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप नहीं लगा सकते, एज ऑफ नाउ वो फीचर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये वाले लग जाएंगे, बट यहाँ पे जो आपकी गैलरी में पिक्स हैं उसको एज अ वॉच फेस नहीं लगा सकते। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था इसको टैप करने के बाद, जो गैलरी पे जाना चाहिए था इसको, बट यहाँ पे क्लाउड पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस अभी नहीं लगा सकते, बट OTA अपडेट के थ्रू कंपनी ये रिजॉल्व कर सकती है, तो इसको रिजॉल्व जरूर करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन ऐप मिल जाती है। और वैसे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, यहाँ पे अगर आप जनरल में जाते हो तो जनरल में और भी चीज़ें मिल जाती है। कॉल रिमाइंडर आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है, अगर आपको फोन मतलब जब फोन पे कॉल आता है तो कॉल म्यूट और जेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ से कर लेना है ऑन ऑफ, तो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। 24 आवर टाइम आपको ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो 24 आवर यहाँ पे ऑन या ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। राइट, तो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। और वेदर सेल्सियस में यहाँ पे करना है या फ़ारेनहाइट में वो कर सकते हो। वेक गेस्चर आपको ऑन ऑफ करना है, डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑन ऑफ करना है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपको सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, और मैसेज भी नोटिफिकेशन भी सारे के सारे आपको आ जाएंगे इसमें, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, अपने दूसरे फ़ोन से एक मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा रहा है मैसेज, आप देख सकते हो मैंने बहुत बड़ा मैसेज भेजा था, बट यहाँ पे बहुत ही कम दिखा रहा है, बट यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी नहीं शो कर रहा है। राइट, एंड इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। एंड गाइस वेदर नोटिफिकेशन भी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा जैसे ही आप अपने फ़ोन के साथ पेयर करोगे, क्योंकि लोकेशन एक्सेस वहाँ पे इसीलिए ऑन कराई गई थी। यहाँ पे आप इसको टैप करते हो तो यहाँ पे वेदर नोटिफिकेशन पूरा का पूरा शो कर देता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें, एक्यूरेसी टेस्ट भी हो ही जाए। तो गाइस यहाँ पे एयर में टेस्ट कर रही है वॉच, पीछे चलते हैं SP2 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे एयर में शो कर रही है, एक बार हम HR को चेक करते हैं ऑन द सरफेस। तो सरफेस को बता रही है आप देख सकते हो, SP2 को चेक करते हैं यहाँ पे। तो गाइस सरफेस पे बता रही है, ये इसमें इशू है ही कहीं ना कहीं, यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल तो आपको अच्छे खासे मिल ही जाते हैं ओवरऑल यहाँ पे। और मेरे ख्याल से मैंने डाउट्स आपके सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी इशूज़ सारे के सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।